एक तरफ जहां गाजा में इजरायली सेना हमास के लड़ाकों से उलझी हुई है, तो वहीं उत्तर में लेबनान के हिजबुल्ला ने इजरायल की नाक में दम कर रखा है। इजरायल हिजबुल्ला के बीच साल 2006 के युद्ध के बाद से छिटपुट हमले होते रहे हैं, मगर गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्ला लगातार इजरायल पर बम बरसा रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान समर्थित हिजबुल्ला समूह अब और ताकतवर बनकर सामने आया है। हिजबुल्ला लड़ाकों के ताबड़तोड़ हवाई हमलों का इजरायल कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है। लड़ाकों की ओर से कब्जे वाले इलाकों और इजरायली बस्तियों पर भी एयर स्ट्राइक ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। ऐसे में इजरायल और लेबनान के बीच भी हिंसक युद्ध शुरू होने की आशंका जताई जाने लगी है। बावजूद इसके लेबनान का हिजबुल्ला इजरायली इलाकों पर बेरोक टोक हमलों की बौछार कर रहा है। समूह हर दिन हमलों की एक से बढ़कर एक सीरीज शुरू कर इजरायल को कड़ी चुनौती देता आ रहा है। एक बार फिर हिजबुल्ला ने सीधे मिसाइल हमलों से इजरायली जबादानी साइट को निशाना बनाए जाने का दावा किया है। समूह के लड़ाकों ने जौरा में तोपखानों और मिसाइल ठिकानों पर हमलावर ड्रोन के एक स्क्वाड्रन के साथ हवाई हमला किया। समूह ने बताया कि गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में और सफद अल बतिक शहर पर इजरायली हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई। वहीं दक्षिणी लेबनानी लोगों की इजरायली हमलों में हो रही मौतों पर भड़के हिजबुल्ला चीफ ने बड़ी धमकी दे डाली है। हसन नसरल्लाह ने कहा कि इजरायल अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, गाजा में जारी नरसंहार को दक्षिणी लेबनान में भी दोहरा रहा है। ऐसे में हिजबुल्ला लड़ाके अब उन नई इजरायली बस्तियों पर हमला करेंगे जिन पर अभी तक हमला नहीं हुआ है। आपको बता दें कि लेबनान से हो रहे भीषण हमलों के जवाब में इजरायली कार्रवाई में दक्षिणी लेबनान में कई लोगों की जान चली गई है। इससे लेबनान का हिजबुल्ला काफी भड़का हुआ है। यही वजह है कि उसने अपने हमलों को और तेज कर दिया है। हिजबुल्ला ने अपने हमलों को और घातक बनाने के लिए अब अंधेरे का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। लड़ाके अब आधी रात में ही हवाई हमले कर इजरायली खेमे में खलबली मचाने लगे हैं। दावा है कि अंधेरे में वार से इजरायली बलों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लड़ाकों ने इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीन में अबीरिम बस्ती पर पहली बार कत्यूशा रॉकेट से हमला करने का दावा किया है। इसके अलावा प्रतिरोधी सेनानियों ने कब्जे वाले लेबनानी शीवा फार्म्स में रुईसत अल कर्न सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। इस दौरान लड़ाकों ने पहली बार अपने यहां बने वेबेल भारी रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि हिजबुल्ला लड़ाकों ने हमास के अलकासिम ब्रिगेड के साथ मिलकर इजरायली बलों पर दबाव बनाया। ब्रिगेड ने फिलिस्तीन में एक इजरायली मिलिट्री साइट को निशाना बनाकर लेबनान से रॉकेट बैराज लॉन्च किए। फिलिस्तीनी प्रतिरोधी समूह ने भी आक्रामक तेवर दिखाते हुए ऊपरी गलील के पश्चिमी क्षेत्र में 320 शोमेरा ब्रिगेड के कमांड मुख्यालय को रॉकेट से निशाना बनाया। इसके अलावा लड़ाकों ने पहली बार दफना की बस्ती को निशाना बनाने का दावा किया है, जिसमें काफी संख्या में लोग हताहत हुए। एक अन्य ऑपरेशन में लड़ाकों ने अल मनारा साइट के पास तोपखाने के गोले के साथ इजरायली सैनिकों की सभा को निशाना बनाया।